गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, आज का हमारा टॉपिक है दृश्य श्रव्य सामग्री। सामाजिक विज्ञान शिक्षण के अंतर्गत जो दृश्य श्रव्य सामग्री है उसका अर्थ तथा उसकी उपयोगिता के बारे में चर्चा करेंगे। सबसे पहले इसका अर्थ समझते हैं। दृश्य श्रव्य सामग्री जैसे नाम से ही दिखाई देता है, देखने और सुनने वाली जो सामग्री होती है, जैसे दृश्य के अंतर्गत चार्ट है, मॉडल है, और चार्ट मॉडल, ये जो सारी चीजें है ये दृश्य सामग्री के अंतर्गत। और श्रव्य सामग्री जिसको हम सुन सकते हैं, जैसे अपने रेडियो है, इस प्रकार की जो सामग्री है वह श्रव्य सामग्री के अंतर्गत आती है। तो यानी दृश्य श्रव्य सामग्री का अर्थ हुआ देखने और सुनने वाले ऐसी सामग्री जिससे विद्यार्थी अपनी जो शिक्षण कार्य है उसको रुचिकर बना सके। और इन दृश्य श्रव्य सामग्री के माध्यम से विद्यार्थी प्रत्यक्ष ज्ञान का अनुभव करके अधिक से अधिक ज्ञान को ग्रहण कर सकते हैं। और सामाजिक विज्ञान शिक्षण के अंतर्गत यदि बात की जाए, सामाजिक विज्ञान शिक्षण, सामाजिक विज्ञान शिक्षण में जो है दृश्य श्रव्य सामग्री की जो है अत्यंत ही महत्वपूर्ण भूमिका है, क्योंकि सामाजिक अध्ययन की विषय सामग्री विषय सामग्री शीघ्र और सही रूप में शिक्षार्थी को हृदयंगम कराने में जो है दृश्य श्रव्य सामग्री अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। क्योंकि जब बालक दृश्य श्रव्य सामग्री के माध्यम से देखकर और सुनकर ज्ञान को ग्रहण करता है तो उन्हें प्रत्यक्ष अनुभव होता है। इसलिए दृश्य श्रव्य सामग्री जो है बालकों को शिक्षण जो होता है शिक्षण को हृदयंगम करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। और आवश्यकता अनुसार जो है शिक्षण में शिक्षक द्वारा रुचि एवं प्रेरणा प्रदान करने में दृश्य श्रव्य सामग्री सहायक सिद्ध होती है। यही कारण है कि हमारा जो भारत देश है, इस भारत देश में दृश्य श्रव्य सामग्री का जो है चलन बढ़ता जा रहा है। यानी विद्यार्थियों को अधिक से अधिक दृश्य श्रव्य सामग्री के माध्यम से शिक्षण कार्य करवाया जा रहा है। अतः इस बारे में विभिन्न विद्वानों ने अपने अपने विचार प्रस्तुत किए हैं। वह संपूर्ण उनका मानना है कि वह संपूर्ण सामग्री विभिन्न विद्वानों के अनुसार सामग्री जिसका प्रयोग सामाजिक विज्ञान शिक्षक अपने शिक्षण कार्य सुगम
प्रभावशाली बनाने के लिए तथा विद्यार्थी द्वारा अच्छे प्रकार से सीखने के लिए करता है। यानी विभिन्न विभिन्न विद्वानों ने कहा है कि वह संपूर्ण सामग्री जिसका प्रयोग सामाजिक विज्ञान शिक्षक अपने शिक्षण कार्य को सुगम सहज एवं प्रभावशाली बनाने के लिए विद्यार्थियों द्वारा अच्छी प्रकार से सीखने के लिए करता है। यानी इस सामग्री का प्रयोग एक शिक्षक द्वारा इसलिए किया जाता है जिससे कि विद्यार्थी का जो शिक्षण कार्य है वह शिक्षण कार्य सहज रूप से सरल हो जाए उनके लिए और वह अच्छी प्रकार से सीख सके। तो इस प्रकार एक सामाजिक विज्ञान का शिक्षक होता है अपने शिक्षण कार्य में दृश्य श्रव्य सामग्री का उपयोग करते हुए अपने शिक्षण कार्य को रुचिकर सहज तथा सरल बना सकता है। यानी जिस सामग्री को दृश्य जिस सामग्री को विद्यार्थी देख कर ज्ञान ग्रहण करता है उसे दृश्य सामग्री कहते हैं और श्रव्य सामग्री यानी जिस सामग्री को या जिस सामग्री से सुनकर विद्यार्थी ज्ञान ग्रहण करता है उसे श्रव्य सामग्री कहा जाता है। अर्थ है इसकी उपयोगिता दृश्य श्रव्य सामग्री के संदर्भ में जो एडगर ब्रूस वेस्ले ये जो विद्वान है एडगर ब्रूस वेस्ले ने कहा है कि दृश्य श्रव्य साधन अनुभव प्रदान करते है। उनके प्रयोग से शब्दों एवं शब्दों व वस्तुओं का संबंध सरलता को जुड़ जाता है। एडगर ब्रूस वेस्ले ने कहा है कि दृश्य श्रव्य सामग्री अनुभव प्रदान करते हैं क्योंकि बालक उन चीजों को देखकर व सुनकर
ज्ञान प्राप्त कर रहा है। उनके प्रयोग से शब्दों व वस्तुओं का संबंध सरलता पूर्वक जुड़ जाता है। दृश्य श्रव्य सामग्री का जो प्रयोग किया जाता है, तो जो शब्द और जो वस्तु है, जैसे बालों को एप्पल सिखाना है, तो यदि हम एप्पल का चित्र उसको दिखाएंगे तो जो शब्द बोला है और जो वस्तु उसको दिखाई जा रही है, उस शब्द और वस्तु के संबंध में शब्द और वस्तुओं का जो इसका जो संबंध है वह सरलता पूर्वक जुड़ जाएगा, मतलब तो बालक जो है उसको सरलता से आसानी से ग्रहण करेगा। अब दृश्य श्रव्य सामग्री से जो है बालकों के समय की बचत होती है। इन्होंने कहा है इससे बालकों के समय की बचत होती है और उसी के साथ जो समय की बचत, यानी दृश्य श्रव्य सामग्री से बालकों के समय की बचत होती है तथा उनकी सहायता से दृश्य श्रव्य सामग्री की उनकी सहायता से उनकी सहायता से सरल परंतु सही सही बातों का पता चलाते हैं और जो जटिल बातें होती है, यानी बालकों के लिए जो जटिल बातें होती है, जो कठिन बातें होती है, उन कठिन बातों को दृश्य श्रव्य सामग्री के माध्यम से वह आसानी से सीख सकते हैं। अब है दृश्य श्रव्य सामग्री की जो उपयोगिता है हम विभिन्न बिंदुओं के आधार पर समझ सकते हैं। इसमें सबसे पहले है विषय, वस्तु की स्पष्टता में सहायक
किया जाता है, जैसे बालकों को विभिन्न बांधों की जानकारी के लिए मॉडल बनाकर उनके सामने प्रस्तुत करना, इस प्रकार के और अन्य कई उदाहरण हैं जिनको हम बालकों के समक्ष प्रस्तुत कर सकते हैं। फिर है विभिन्न
बंदरगाह है, राज केंद्र सरकार से संबंधित ज्ञान है या और सामाजिक विज्ञान से संबंधित और ज्ञान है, उस ज्ञान को दृश्य श्रव्य सामग्री के माध्यम से देकर विद्यार्थियों का जो ज्ञान है उसको हम स्थायी बना सकते हैं, क्योंकि विद्यार्थी देखकर तथा सुनकर ज्ञान को अधिग्रहण करता है। इसलिए जब चीजों को हम बताते हैं विद्यार्थियों को तो उनमें स्थायी ज्ञान की प्राप्ति होती है। अब है अनुशासन। यानी परंपरागत ढंग से पढ़ाया गया शिक्षण कार्य कभी कभी बालकों के लिए नीरस हो जाता है, जिससे क्या उनमें अनुशासनहीनता की स्थिति उत्पन्न हो जाती है। किंतु दृश्य श्रव्य सामग्री का यदि प्रयोग करके बालकों को शिक्षण करवाया जाए तो वह बालकों की जो अनुशासनहीनता है उस अनुशासनहीनता को रोकने में सहायक सिद्ध होती है। उसके बाद है प्रत्यक्ष अनुभव। अब ये जो है प्रत्यक्ष अनुभव का विकल्प, यानी कभी कभी ऐसा होता है कि प्रत्यक्ष रूप से हम सारी चीजों को जाके नहीं देख सकते, किंतु दृश्य श्रव्य सामग्री के माध्यम से हम उनको प्रत्यक्ष अनुभव का विकल्प दे सकते हैं तथा उनको चीजें बताकर ज्ञान ग्रहण करवाया जा सकता है। तो इसलिए जो है दृश्य श्रव्य सामग्री के माध्यम से प्रत्यक्ष अनुभव का विकल्प रहता है, क्योंकि हर जगह हर समय नहीं पहुंचा जा सकता। शिक्षण बिंदुओं का विकास आसान, यानी इसके माध्यम से जो हमारे शिक्षण बिंदु है उन शिक्षण बिंदुओं को हम क्रमानुसार स्टेप बाय स्टेप पढ़ा सकते हैं, इसलिए शिक्षण बिंदु का विकास आसानी से किया जा सकता है। उसके बाद है मनो वैज्ञानिक आवश्यकता। यानी दृश्य श्रव्य जो सामग्री है वह मनोवैज्ञानिक आवश्यकताओं की पूर्ति करती है, क्योंकि कक्षा के जो विद्यार्थी है वह विद्यार्थी सब एक स्तर के नहीं होते, कोई मंद बुद्धि वाला होता है, कोई तेज बुद्धि वाला होता है। तो बालकों की जो मनोवैज्ञानिक आवश्यकता है उन आवश्यकताओं के अनुसार उनकी पूर्ति की जा सकती है। फिर है मानसिक शक्तियों का विकास। मानसिक
तीनों का विकास होती है, उन मानसिक शक्तियों का विकास संभव होता है, जैसे आंकड़े निकालना है, गणना करना है और फिर निष्कर्ष तक पहुंचना। इस प्रकार से दृश्य श्रव्य सामग्री के माध्यम से बालकों की जो मानसिक शक्ति है, उस मानसिक शक्ति का विकास किया जा सकता है। वह इसके आधार पर तर्क कर सकते हैं, चिंतन कर सकते हैं, मनन कर सकते हैं। तो इस प्रकार से उनकी जो मानसिक शक्तियाँ होती है, उसका विकास किया जा सकता है। इसलिए दृश्य श्रव्य सामग्री का सामाजिक विज्ञान शिक्षण में महत्वपूर्ण भूमिका है या फिर उपयोगिता कह सकते हैं। अब है आपका गृह कार्य। सामाजिक विज्ञान शिक्षण में श्रव्य दृश्य सामग्री की उपयोगिता बताइए। धन्यवाद।